हेलो दोस्तों दोस्तों आपने गन्ने के फार्मिंग बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं आखिर गन्ने से आखिर चीनी किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों आखिर गन्ने से किस प्रोसेस द्वारा चीनी बनता है। दोस्तों गन्ने से चीनी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें अच्छे अच्छों की पसरी लगाते हैं। दोस्तों चीनी बनाने के लिए सबसे पहले जो गन्ने होते हैं उसको अच्छी तरह से हम करते हैं दोस्तों, उसके बाद बड़े बड़े मशीनों में रहता है। दोस्तों चलते हैं आखिर गन्ने से चीनी किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले खेतों से गन्ने को अच्छी तरीके से काट कर बड़े बड़े ट्रकों पर लोड कर लिया जाता है। दोस्तों एक दो ट्रक नहीं, पूरे हजार ट्रक होते हैं। इसके बाद इसे ट्रकों की सहायता से मशीन में लाया जाता है और दोस्तों उसे छोटे छोटे पार्टिकल में काट दिया जाता है। उसे तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं काटने के बाद उसे अच्छी तरह से पानी से धोया जाता है ताकि उसमें जितने भी धूल कड़ होते हैं वो अच्छी तरह से धुल जाए। दोस्तों इसके बाद जो पार्टिकल होते हैं उसे बड़े बड़े पिटरगर में गुड़ा जाए ताकि जो गन्ने का छोटे छोटे पीसेस में वो पूरी तरह से हो जाए, उस जो रेसे होते हैं दोस्तों वो अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद बड़े बड़े चार बार बड़े बड़े कंटेनर में गुजरा जाता है ताकि जो उसका गन्ने का जूस होता है वो अच्छी तरह से निकल पाए। दोस्तों अच्छी तरह से गन्ने का जूस निकालने के बाद उसे बड़े बड़े मशीनों में जाता है और दोस्तों उसे लाने के बाद जो हमारा रेसे होते हैं, जो गन्ने का जूस होता है दूसरे जाकर होता है, जो रेसे होते हैं वह आर्टिकल पार्टिकल में छट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो रेसे होते हैं अच्छी तरह से निकालने के बाद उस रेसे को अलग उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों जो हमारे पार्टिकल होते हैं उसे बड़े भट्टियों में टरबाइन के द्वारा उसे बिजली बनाने और उसे भट्टे को अच्छे किया जाता है। दोस्तों जूस जो हमारा होता है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद उसका पीएच लेवल चेक किया जाता है ताकि जो जूस का क्वालिटी है वो अच्छी तरह से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके बाद उसका जो इफेक्ट होते हैं चूने के पानी और केमिकल डाला जाता है ताकि उसके पीएच लेवल को चेक कर सके ताकि जो हमारा चीनी होता है वो अच्छी तरह से खराब ना हो सके। दोस्तों जूस को एक टंकरन में लाया जाता है और लाने के बाद उसे तब तक उसका जो पूरी तरह से वो गाढ़ा ना हो सके। दोस्तों जब गाढ़ा होने के बाद उसे बड़े बड़े मशीनों में फिर से डाला जाता है जो कि हमारा जो चीनी के पार्टिकल होते हैं वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो सके। उसके बाद उसे पूरी तरह से घुमाया जाता है ताकि जो हमारा चीनी का जो जूस होता है वो पूरी तरह गाढ़ा होकर उसे चीनी के पार्टिकल में अच्छी तरह से बनाया सके ताकि वो गाढ़ा हो सके। दोस्तों इसके बाद जो चीनी का पार्टिकल होता है वो बनकर पूरी तरह तैयार रहता है। दोस्तों देखिए जो होता है वो गुड़ की तरह हो गया है, इसके बारे में इसको चेक किया जाता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे उसे चूने का पानी और सारा केमिकल डाला जाता है और डालने के बाद दोस्तों आप ये ध्यान के देखेंगे तो इसमें जो चीनी के पार्टिकल होते हैं वो अच्छी तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद चेक करने के बाद उसे बड़े बड़े मशीनों में डाला जाता है और डालने के बाद दोस्तों बड़ी अच्छी तरीके से उसको किया जाता है और करने के बाद दोस्तों जो चीनी के पार्टिकल्स आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यह किस तरीके से होता है। और इसके बाद बड़े बड़े मशीनों में इसको डाला जाता है और डालने के बाद एक रोलर की सहायता से इसे घुमाया जाता है। दोस्तों यह कई कई सारे प्रोसेस से गोया जाता है ताकि जो चीनी के पार्टिकल होते हो अच्छी तरह उनका तैयार हो सके। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि चीनी के जो होते हो हड्डी से सफेद, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा चीनी होता है वो काफ़ी बनकर तैयार होता है, लेकिन दोस्तों उससे चीनी के जो कड़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों इसके लिए एक और मशीन से गुजारा जाता है और गुजारने के बाद दोस्तों जो चीनी के हमारे पार्टिकल होते हैं वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो चीनी तरह नहीं है ये, क्योंकि अब पूरी तरह देखिए उसके बाद ये करने के लिए इसे और मशीन से अच्छी तरह से गुजारा जाता है जो कि जिसे लोरर इसे कहते हैं। और दोस्तों इसे कई बार मशीन से साथ गुजारा जाता है और गुजारने के बाद जो हमारे चीनी के पार्टिकल होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बड़े बड़े मशीनों में होती है, उसके बाद छन्ने की सहायता जो जितने भी हमारे साइज की चीनी हो जाता है और उसे बड़े बड़े मशीनों में लाद कर मार्केटिंग के लिए पेश किया जाता है।